तुम्हें वो एक्टर पता है जिसके नाम में BIR आता है? जगबीर, सतबीर, रणवीर। अबे मतलब के भी आता है। रणवीर कपूर। सही, वही तो बोला। बहन के लोड़े। जिसकी क्लीन शेव पे लड़कियां मरती और बियर्ड पे लड़के। पागल हो गया क्या? मैंने ना अभी रिसेंटली एक एक्शन पैक्ड मूवी देखी है, ब्रह्मास्त्र। यार नहीं होगी यार, ब्रह्मास्त्र लव स्टोरियां है। मैंने देखी है कबीर सिंह। कबीर सिंह तो लव स्टोरी है। अबे सादे रुक, सेल्फ क्लेम क्रिटिक, ये ले मेरा सेल्फ मेड डंडा खा। तो कबीर एक ऐसा बंदा है जो सुबह सुबह मुंह के जर्म्स को मिटाने के लिए ना 420 ml इथाइल अल्कोहल से मुंह कुल्ला करता है। दारू दारू। कबीर है एक ऐसा बंदा जो रास्ते पे खड़े होके नंगा अपनी हवस की आग बुझा रहा है और धुआं मुंह से निकाल रहा है, क्योंकि इसे वो चीज नहीं मिल रही ना जो सावधान इंडिया की भाभियां ढूंढ रही हैं। सेक्स। एग्जैक्टली। बुलाऊंगा तो आएगी क्या फ्लैट पे? कैसा छिछोरा है बे? हवस का भूखा रंडवा। ओए। अबे ऐसे आदमी की क्या ही जिंदगी होगी, एक नंबर का नल्ला बेरोजगारी होगा। पर नहीं, ये है एक सर्जन। अच्छा। सर्जन सन की है। तो कबीर एक शांत स्वभाव वाला इंसान है और कॉलेज के दिनों में ना ये लड़का बड़े प्यार से जेंटलमैन की तरह स्पोर्ट्स खेलता था। इतना पारिवारिक माहौल है ना। दवा दारू लेता था। दवा को तो पता नहीं, दारू का अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। और ये कौन सा कॉलेज है जहाँ हमें एडमिशन नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू, वेयर इज योर हिजाब? क्या मेडिको से यार तुम लोग। तो कबीर के ना इस प्यार वाले स्वभाव के कारण कॉलेज से उसे निकाल रहे। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। लेट मी करेक्ट, वो खुद छोड़ के जा रहा है क्योंकि इसके पास जगह है, सॉरी आई मीन वजह है। आई डोंट केयर। पर इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। अस ब्रो, अस। कबीर व्हाट्स रॉन्ग, तुम कॉलेज छोड़ के जा रहे हो? अबे मैं काम कर। इस कॉलेज टॉपर सीनियर को दिखती है पढ़ाई करने की जगह, वजह। मूवी में सिर्फ चार लाइन बोल के पीटी, प्रीति, आई स्वर, हमें आज तक नहीं पता कि इसकी आवाज कैसी है। बेबी ये लो तुम्हारी नेक्स्ट मूवी की स्क्रिप्ट। क्या बात है, कास्टिंग भी हो गई और काउच भी है। तो भाई दिशा का तो पटानी, पर इसे प्रीति पटानी है। औरतें चाहिए औरतें। नहीं, नहीं, नहीं। तो मिसोजिनिस्ट कबीर वुमेन्स को समझता है ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो प्रीति का बाप प्रीति को कबीर के हाथ में देके हो जाता है डिसअपीयर। ये प्रीति है मेरी बेटी, ध्यान रखना जरा, लाइक अ ब्रदर। भाई ये तो वही बात हो गई, चोर के हाथ में बैंक की चाबी दे दी। तो कबीर इसका अच्छे से ख्याल रखता है। किसी ने नहीं देखा? हाँ किसी ने नहीं देखा। नहीं, 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 देखा, पूरा देखा। तो कबीर एजुकेशन सिस्टम की ना सच्चाई समझता है और उसे पता है कि कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होती। बात तो सही है। तो वो इसे ले जाता है देसी पॉन के सेट पे, खेतों में पढ़ाई करने। यही पढ़ाई लिखाई हो रही है। और होली के दिन किसी ने अपनी बलम पिचकारी प्रीति को मारी तो कबीर का दिमाग हुआ विस्फोट। शांत आदमी है ये। तो कबीर इतना शांत आदमी है कि अपनी मेड को ज्यादा तनख्वाह देने के लिए उसके पीछे भागता है, पर मेड को बोनस से भी छुट्टी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता इन मेड्स का। ए बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे... तो एक दिन साइलेंट प्रीति को चोट लगी। मेरे बाबू को चोट लग गया? और उसके बाप ने बोला था कि ख्याल रखना है, तो वो उसे अपने हॉस्टल के कमरे में ले जाके रख लेता है ताकि पढ़ाई हो पाए। तो गाइस हॉस्टल हो या ओयो, पढ़ाई करने के लिए ना प्राइवेसी कभी भी नहीं मिलती, तो ये सेक्स करने के लिए कोटी रेंट पे ले लेते हैं। अब साइलेंट प्रीति कबीर के दम पे कॉलेज में वाइब्रेट करती है क्योंकि इसे सिक्योरिटी जो मिल गई तो ये अब किसी पे भी हाथ उठा सकती है। तो ये जाके कबीर पे ही हाथ उठा देती है। बहन के अबे जिस छेद में खाती है उसी में थाली। तो रो रही है, सॉरी।
तो क्या तुम्हें पता है कि कमला पसंद यूनिवर्सिटी के हिसाब से डॉक्टर विमल ने बताया है कि स्कूल कॉलेजेस के बाद 10 में से एक ही रिलेशनशिप चलता है और वो मिसाल पाव बनते हैं प्रीति कबीर। मगर ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ लड़का सर्जन है, सक्सेसफुल है, बस सुट्टा दिन में 500 बार पीता है, लेकिन शुक्र है कि वो बीड़ी नहीं पीता। मुझे क्यों तोड़ा? पर डैडी जी फिर भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ जब कबीर अकेले शादी का रिश्ता पक्का करने आया तो इसके बाप ने इन्हें प्री मैरिटल चुम्मा करते देख लिया। तो इन्होंने बोला पेंसिल, और कबीर ने बोला थोड़ा दिमाग थोड़ी केटिया विच है क्या, हम ब्लडी सर्जन, और शादी कैंसिल। तो प्रीति ना इसका कान खा रही है, भाई मैं होता ना तो एक था। ओ अबे मजाक कर रहा था भाई, बड़ा बड़ा चूत गया है। मैं पागल हूँ। तो प्रीति का बाप इतना फास्ट है कि बेड पे 2 सेकंड में काम निपटा लेता है, 45 मिनट में एक दूल्हे का इंतजाम कर लेता है, 15 मिनट में कैश निकलवा के दहेज दे देता है, 40 मिनट में मंडप सजा देता है। अबे भाई इसको कोई ब्रह्मास्त्र 2 का प्रोजेक्ट दे दो, कल ही रिलीज कर देगा। 10 सेकंड में लड़का कहाँ से लाऊं? अरे बेटा क्या है? मेरी बेटी से शादी करोगे? चल हट पंजाबी। अरे बेटा एक मिनट, ये देखो उसकी फोटो। आइला इतनी सुंदर जनानी अडवानी, बताओ कितना लोगे डिस्कस कर ले। अरे बेटा मुंह की। माय नेम इज हरपाल सिंह का एंड आई एम द फास्टेस्ट मैन अलाइव। प्रीति प्रीति खेलो, प्रीति प्रीति मारो, किसे मत मारो। सून आफ्टर। तो कबीर के इस ड्रामे के कारण ना उसे अपने ही घर से तशरीफ पे लात मार के निकाल दिया। पहली फुर्सत में निकल। तो कबीर अब सैड और डिप्रेस्ड है, और वो वही करता है यार जो हर सैड और डिप्रेस्ड इंसान करता है। ड्रग्स। माल दे गए वो दिनरे चल। ओवर ईटिंग। हस्त मैथुन। फ्रेंड्स देखना। सो गुड। मेबी चैनलर हैव सम लाफ। इंस्टा पे सैड स्टोरी लगाना। पर कबीर चाहे कितना भी बड़ा लौंडियाबाज हो, कितना ही बड़ा नशेड़ी हो, कितना ही इसका बड़ा हो, काम इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो ये एक सर्जन की नौकरी ढूंढ लेता है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है और दारू पी के सर्जरी करता है, और प्रीति की याद में प्रीति की नाम की कुतिया पाल लेता है। रिस्पेक्ट। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है पूनम। हाँ पूनम, आई लव यू, आई विल ईट योर पुसी पूनम। कबीर ने ना संडे की छुट्टी मनाने के लिए GM90 का पौवा पी लिया और सो गया, मगर 15 मिनट में ना इसको हॉस्पिटल बुलाया जाता है सर्जरी के लिए। I have a bad feeling about this. तो इसे जाना ही होगा, मगर ये नशे में इतना है धुत कि पेशेंट की माँ गई और अब ये खुद ही पेशेंट बन गया। Oh, how the tables have turned. तो मीडिया, सोशल मीडिया, विकिपीडिया, व्हाट्सएप, मोहल्ले की गॉसिप करने वाली आंटियां सब इसका मजाक उड़ा रही है। पूरा देश देख रहा है, तने व्हाट्सएप ना चेक किया? मेरा देश। और इसको जेल भी हो सकती है अगर इसकी विवेक ओबराय वाले बाप के पास बहुत पैसे है, और पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। अबे ये तो मर गया। एक और लाश, सही में मर गया ये तो। ए मैं हूं ना, ये ले ये रख, अब चुप रहना, समझा? आधा मेरा भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब कबीर बच जाएगा, मगर एक डिप्रेस्ड इंसान को हमेशा अपनी ही गलती नजर आती है यार, ये सच है। तो ये कन्फेस कर देता है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। और अब नौकरी गई, घर गई, इज्जत गई, छोकरी तो कब की गई थी, और दाढ़ी भी गई, दादी भी गई, दादी गुजर गई। तो इंसान जब नीचे गिर जाता है ना यार, तो उसे उठाने के लिए किसी को ऊपर जाना पड़ता है, और वेल ये सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। मतलब सिर्फ सुट्टा छोड़ के, क्योंकि सुट्टा कभी नहीं छूटता यार। सही बात है यार, कॉलेज में मुझे भी आदत पड़ गई थी। पर अब जब सब सही हो रहा है ना, तो इसे फाइनली फैमिली फ्रेंडली ऑर्फनेज में दिखी प्रेग्नेंट प्रीति, जो इसे पीटती, क्योंकि उसे ही पता है कि उस पे क्या है बीतती। मैंने कहा था ना छतरी मत पहन, मगर नहीं, मेरा पुल आउट गेम तो बहुत स्ट्रांग है, ये ले बहन के लौड़े। मजा आया। और बस लड़का अब सुट्टा भी छोड़ देता है, एक लड़की छुड़वा सकती है।
सही बात है। और तुरंत मंदिर जाके 501 की पर्ची कटा के शादी कर लेते हैं। पक्का घर वालों से ये पिटेगा क्योंकि गलतियों का इंसेप्शन जो लेके घूम रहा है यार, अब लड़की से शादी करके आ गया वो भी प्रेग्नेंट से। तौबा तौबा तौबा। मगर सब खुश है यार, क्या ही करें, इन्होंने इतना गंदा जो देख लिया इसका कि ये तो अब साफ ही लग रहा है। तो अगर आदमी को सुधरना है तो क्या लड़कियों को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा? कबीर सुधर जाओ। नहीं प्रीति नहीं, कबीर प्रेग्नेंट अस्त्र। मैं सुधर गया प्रीति, मेरा बच्चा। एक गाना बजा दे यानी। मैं अभी बजाता हूँ। सिगरेट पीता रहता हूँ दिन भर आजकल, जीएस को चाटा भर के मारू हर बात पर, जीएफ मेरी हर जगह लड़ती रहे बेवजह। कबीर सिंह मैंने देख ली, अब मैं हूँ सिग्मा। सुट्टा जला चाटा लगा और बन जा।